इससे कार्य मत करवाना। इसने स्वयं गड्ढा निर्मित किया है हमसे धन प्राप्त करने के लिए। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो मिथ्या आरोप है। मेरे पिता के पास धन नहीं है क्या? विश्वास कीजिए मेरा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। केवल सुविधा के लिए प्रथम मुद्रा मांग रही हूँ। यदि आप कहेंगे तो आपकी सारी वस्तुएं भी मेरे मित्र गांव तक पहुँचा देंगे। कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है पुत्र। ये लो। नमस्कार अधिरथ। प्रणाम पुत्रों। ऋषभान महोदय को प्रणाम करो। प्रणिपात। प्रणाम। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो रहा था। मेरा सौभाग्य है कि आप आज यहां पधारे। मेरे पिता की, राधा के पिता ने बहुत सहायता की थी और वो ऋण मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, किंतु आज आप सबकी सेवा करके मुझे संतोष प्राप्त होगा। आप मेरी पुत्री से मिले। यह है मेरी पुत्री वैशाली। और वैशाली, यह है तुम्हारी राधा माता, मेरे बालपन की सखी। प्रणाम करो बेटा। प्रणिपात। ये क्या हुआ? ये लड़की हुई ताऊ। आश्चर्य, यहाँ तो कोई गड्ढा था ही नहीं। इस लड़की और इसके मित्रों ने हमारे साथ इस लड़की और इसके मित्रों ने तुम्हारी सहायता की है ना? उत्तम, अति उत्तम। चलो अब सारे मिलके इस पहिए को गड्ढे से निकालते हैं। निश्चिंत रहिए, आप सब प्रस्थान कीजिए। ये युवक अन्य युवकों को लाएंगे और ये रथ ठीक करेंगे, ले आएंगे। उत्तम। वैशाली, बालकों, वस्तु उठाओ और साथ चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? शोन। ये मेरे भ्राता कर्ण। आप दोनों नए हैं? आप दोनों का कोई मित्र भी नहीं है? यहाँ के सारे बालक बहुत भयाभव है। और ये उत्तम प्रतिदिन दो दो हत्या करता है। यदि आपने इस घटी के विषय में पिताश्री से कुछ भी कहा तो स्मरण ने आप उनकी मृत्यु हो सकती है। चलो मित्र, उठाओ सब। विशाली, मेरा भाग मुझे यही दे दो। पिताजी मुझे वेद पाठ करने के लिए बुला रहे हैं। पहले ऊपर तक आओ, तभी तुम्हें अपना भाग प्राप्त होगा। नहीं, वहाँ तक इतना भार उठाकर ऊपर तक नहीं आ सकता। तो पहले क्यों नहीं पता है लेकर ऊपर नहीं आ सकते? इसे जाने दो, हत्या करने का समय हो रहा होगा। इसके स्थान पर मैं भार उठा लेता हूँ। इसका भाग हमें दे देना। ठीक है,
तुम दोनों सारा भार उठा लो और आधा भाग मैं तुम्हें दे दूंगी। वामन, उस भार को छोड़ो और मेरे साथ आओ। ये है तुम्हारी मित्र ऋषाली और मित्र। ऋषाली हमारी नेता है, बहुत भयानक है, अगर उसकी बात ना मानो तो ऊपर से पत्थर फेंक कर मारती है। ये तो क्षत्रियों से भी गई हुई है, जैसे हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र का शासन है वैसे यहाँ ऋषाली का शासन चलता है। जब से हस्तिनापुर में महाराज पांडु का शासन बदला है प्रतीत होता है कि पूरे साम्राज्य पर दुर्भाग्य विराजमान हो गया है। महाराज धृतराष्ट्र अयोग्य नहीं है किंतु उनके अंतर में विष भर दिया गया है। जब महाराजा पांडु और महारानी कुंती का शासन था तब हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, वो दोनों परंपराओं का वहन करते थे। और महामहिम भीष्म? महामहिम भीष्म वो हमारे देवता है, ऐसा महात्मा पृथ्वी ने आज तक देखा नहीं, उनका परंपराओं में पूर्ण विश्वास है। किंतु जब कोई परंपराओं का लाभ उठाकर अन्याय करता है तो महामहिम निसहाय हो जाते हैं। शायद महापुरुषों की यही मर्यादा है। और यहां महारानी गांधारी का भाई आकर बैठा है, गांधार राज शकुनी। हमें उससे भय लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी भी स्थिति में पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की मंशा लिए बैठा है। किंतु कोई अपनी ही बहन का साम्राज्य क्यों नष्ट करेगा? महीनों में पुत्र नहीं दे पाई हो तुम मुझे गांधारी, 18 महीनों में एक स्वप्न पूरा नहीं कर पाई हो तुम मेरा, अरे 18 महीनों में एक बार भी मन विचलित नहीं हुआ तुम्हारा। जिस महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया है उस महादेव से प्रश्न पूछने के स्थान पर तुम यहां द्यूत खेल रही हो। महादेव महादेव, महाराज के स्वप्नों का जन्म कब होगा? महादेव महादेव उत्तर दीजिए महादेव। चेष्टा कर रहे हो शकुनी? चेष्टा? चेष्टा महाराज? महामहिम ने गांधार से मेरी बहन के लिए आपके विवाह का प्रस्ताव लाया था उसी दिन से मैंने चेष्टा करना छोड़ दिया है महाराज, चेष्टा करना छोड़ दिया है महाराज, अब तो केवल प्रयत्न करता हूं। केवल प्रयत्न, आपके सुख और सुविधा का कारण बनने का प्रयत्न करता हूं महाराज। कब होगा मेरा पुत्र गांधारी? क्यों तुमने अपने प्रसव रोक रखे हैं? क्यों तुम मेरे सुख में बाधा बनना चाहती हो? मैं तो आपके सुख का साधन बनना चाहती हूं महाराज। जिस संतान की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं
जिस संतान के लिए आपने स्वप्न सजा रखे हैं, उस संतान की एक माता भी प्रतीक्षा कर रही है। यदि मैं अपना गर्भ चीर कर आपको आपकी संतान दे सकती तो अवश्य दे देती, किंतु मैं निसहाय हूं। आपके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है मेरे पास महाराज। तो उत्तर ढूंढो गांधारी, मुझे मेरे उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। जो सिंहासन मुझे दान में प्राप्त हुआ था, वो सिंहासन मेरे पुत्र को अधिकार में प्राप्त होगा। यदि तुम मुझे पुत्र नहीं दे सकती तो मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा त्याग करके किसी और स्त्री से अपना पुत्र प्राप्त कर लूंगा। हस्तिनापुर वालों को विस्मरण हो गया है कि वरदान की प्राप्ति तपस्या के बाद ही होती है। हस्तिनापुर वालों को वरदान की अपेक्षा है, तपस्या का बल नहीं। आधा भाग दो। आधा भाग क्यों? तुमने तो कहा था कि हम सामान ऊपर लाएंगे तो तुम हमें आधा भाग दोगी। दो अवश्य मिलेगा, किंतु तुम्हें पता नहीं है यहाँ हस्तिनापुर में किसी को भाग मिलता नहीं है, बल्कि छीना पड़ता है। भ्राता कर्ण, यदि भाग मांगने से ना मिले तो उसे छीन लेना ही उचित होता है। भुगत ग्राम में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अधिरथ महोदय, हम जैसे दरिद्र लोग संबंधों में विश्वास रखते हैं, और जिनके पास सत्ता होती है उन्हें संबंधों से क्या, वे लोग सत्ता में ही तृप्त रहते हैं। सर छोड़िए, हमें इनसे क्या, हम बड़े लोगों की बड़ी बातें।
पगड़ी जितनी बार बदलती है उतनी ही बार बालों की व्यवस्था बदलती है। इसीलिए ईश्वर ने बालों को लचकीला बनाया होगा ताकि पगड़ी बदले तो बाल ना टूटे। इसी तरह हम निम्न जाति के लोग, सूत जाति के लोग लचकीले रहेंगे और जब तक हम राजा के अनुकूल रहेंगे तब तक जीवित रहेंगे। किंतु अंत में तो सारे बाल झड़ जाते हैं ना? तो पगड़ी को क्या अंतर पड़ता है? बहुत बुद्धिमान हो तुम वैशाली। इसे कहते हैं बुद्धि और जिसे तुम समझती हो उसे कहते हैं दुर्बुद्धि। समझी? अब कर्ण और शोण इस गांव में बसने आए हैं, उनसे कुछ सीखो। अधिरत महोदय, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हस्तिनापुर में कोई असुविधा नहीं होगी। चलिए चलते हैं राज सेवक के पास और उनसे आपकी कार्यशाला निर्मित करने के लिए अनुमति मांगते हैं। कार्य करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है? अवश्य, राम उनका है, राज सेवक है वो। यहाँ कौन व्यवसाय करेगा कौन नहीं ये निर्णय करना उनका अधिकार है। राज सेवक से भेंट हो सकती है? मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब इनसे भेंट हो। क्योंकि ये सज्जन गुफा से बाहर निकले उससे पूर्व मेरे भ्राताश्री ने उन बदमाशों को पराजित कर दिया था। हाँ, हम कभी असत्य नहीं बोलते। आपका स्वागत है इस गांव में। कहिए सूत महोदय, क्या आशा लेकर पधारे हैं? रक्षक महोदय, हम महामंत्री की आज्ञा से आपके गांव में निवास करने वाले हैं। आपका इस गांव पर अधिकार है, हमें रथ निर्माण करके बेचने की अनुमति दीजिए। कृपा करके राजसभा में हमारा सम्मान होने वाला था। दूर वारणाव्रत नाम का एक नगर है, वहाँ के नगर रक्षक के पद पर हमारी नियुक्ति होने वाली थी, किंतु किसी कारण से हमें दंड मिला और इतना बड़ा सम्मान चला गया, नगर रक्षक का पद हाथ से चला गया। और हम इन्हीं सूतों और लोहारों के गांव में बंदी बनकर रह गए। आपके पुत्रों के कारण हमारी सारी आशाएं धूल में मिल गई, अब हमारे कारण आपकी आशाएं राख हो जाएंगी। आपको मेरे गांव में कार्यशाला आरंभ करने की अनुमति नहीं है। और एक बात सुनिए, हस्तिनापुर में सूतों के निवास के लिए बस एक ही गांव है, अन्यत्र कहीं आप वास भी नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर का त्याग करना होगा आपको। महामंत्री ने हमें निवास की आज्ञा दी है, इसलिए तो हम इन्हें निकाल नहीं सकते, किंतु ऐसी स्थिति तो बना ही सकते हैं कि ये लोग यहां रह न पाएं। जाइए। ठहरिए, एक मार्ग है यहां रुकने का। यदि आपका पुत्र हमारा दिया हुआ दंड भोग ले तो हम आपको कार्य करने की अनुमति दे सकते हैं। सुन लो सूतों, इस गांव की सीमा पर एक पाताल कूप है, और उस कुएं में जल नहीं है। अपराधियों को उस कुएं में डाल दिया जाता है और जो अपराधी उस कुएं से स्वयं निकल आता है उसके अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। वैसे उस कुएं से आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया है। तुम्हारे पुत्र को उस कुएं में डाला जाएगा कल प्रातःकाल।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.